आज हम अपने इस खास रिपोर्ट में बात करने वाले हैं टीवी एक्ट्रेसेस की जिनकी पहली शादी किसी ना किसी वजह से टूट गई। जी हाँ, बात चाहे कुमकुम भाग्य की जूही परवार की हो या फिर कसौटी की श्वेता तिवारी की, इन दोनों की ही जब तलाक लेने की खबर सामने आई तो फैंस को काफी ज्यादा धक्का लगा। जी हाँ, इसके साथ ही इनके फैंस काफी ज्यादा हैरान भी हो चुके थे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको मिलवाते हैं उन्हीं टीवी एक्ट्रेसेस से, ऐसी पांच एक्ट्रेसेस से जिनकी पहली शादी उनकी जिंदगी के लिए बन गई बर्बादी। जी हाँ, तो नंबर वन पर बात कर लेते हैं रश्मि देसाई की। उत्तरन सीरियल में तपस्या का किरदार निभाने वाली रश्मि देसाई अपने दमदार रोल से घर घर में फेमस हो चुकी थी। जी हाँ, साथ ही घर घर में अपनी पहचान भी बनाई। तो वहीं फेम मिलने के बाद रश्मि ने साल 2012 में एक्टर नंदेश नंदू से शादी कर ली। साथ ही साल 2015 इन दोनों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। जी हाँ, साल 2015 ही एक ऐसा साल था जिसमें ये दोनों अलग हो गए और एक दूसरे से तलाक ले लिया। बता दें कि रश्मि और नंदेश ने सीरियल उत्तरन में साथ काम किया था। साथ काम करते करते इन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर शादी भी की। लेकिन अफसोस, ये शादी कुछ ही सालों के बाद खत्म हो गई। ये रिश्ता खत्म हो गया और सिर्फ बचा है तो अब यादें। जी हाँ, वैसे अगर बात करें इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तो इन दोनों की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। साथ ही इन दोनों ने डांस रियलिटी शो नच बलिए में भी एक साथ हिस्सा लिया था। तो चलिए नंबर टू पर बात करते हैं श्वेता तिवारी की। जी हाँ, श्वेता ने राजा चौधरी से साल 1998 में शादी की। श्वेता के मुताबिक उनके पहले पति राजा ने काफी बार उन पर हाथ उठाया था। इसके बाद से श्वेता ने सोच लिया था कि वो अब इस प्रताड़ना को और नहीं सहेंगी और इसके बाद उन्होंने अपने पहले पति यानी कि राजा चौधरी से तलाक ले लिया। जी हाँ, इसके बाद श्वेता ने अभिनव कोहली से शादी रचाई, लेकिन अब ये शादी भी खतरे में है। बता दें कि श्वेता ने शो मेरे डैड की दुल्हन से टीवी पर कमबैक किया है। दूसरी शादी और बच्चे की वजह से वो लंबे समय तक पर्दे से गायब थी। जी हाँ, नंबर तीन पर आती हैं जेनिफर विंगेट। जी हाँ, छोटे पर्दे की सबसे मशहूर कलाकार यानी कि जेनिफर विंगेट, या यूं कहें कि छोटे पर्दे की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक। लेकिन कहते हैं ना, ज़्यादा खूबसूरत होना भी अच्छा नहीं होता और ज़्यादा खूबसूरती भी धोखा दे जाती है। तो वही हमारी इस खूबसूरत अभिनेत्री जेनिफर के साथ भी हुआ। जेनिफर ने एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी करने के 2 साल बाद ही तलाक ले लिया था। दोनों ने साल 2012 में शादी की। वैसे असल जिंदगी में अगर माना जाए या देखा जाए तो जेनिफर के लिए ये पहली शादी घाटे का सौदा साबित हुई। लेकिन जहां तलाक के बाद करण अपनी लाइफ को एंजॉय करते दिख रहे हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि करण ने जेनिफर से तलाक के बाद मशहूर और ग्लैमरस विपाशा बासु से शादी रचा ली थी। लेकिन वहीं अफसोस, हमारी जेनिफर आज तक सिंगल घूम रही हैं। वेल, हमारी तो यही सलाह है कि जेनिफर को भी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और जल्द से जल्द अपने लिए भी एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। वेल, नंबर चार पर आती हैं दलजीत कौर। जी हाँ, घरेलू हिंसा के चलते दलजीत कौर ने एक्टर शालीन भनोट से तलाक ले लिया था। साथ ही इन दोनों का ऑफिशियल डाइवोर्स 2015 में हुआ। बता दें कि दलजीत ने डाइवोर्स का रीज़न देते हुए डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट और दहेज प्रताड़ना का रीज़न दिया था। वेल, अगर बड़े कलाकारों के साथ भी ये घरेलू हिंसा हरासमेंट होती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दलजीत ने जो स्टेप लिया वो उन्होंने अपने करियर के लिए सही लिया। वेल, दलजीत का एक बेटा भी है जो उनके साथ रहता है। नंबर पाँच पर बात करते हैं जूही परमार की। जी हाँ, कुमकुम भाग्य से फेमस हुई जूही परमार ने भी एक्टर सचिन श्रॉफ से साल 2009 में शादी की थी। साल 2012 आते आते जूही बिग बॉस की विनर भी बनी। इसके बाद से उन्हें एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने रखा समायरा। जी हाँ, इन दोनों को एक बेटी हुई जिसका नाम था समायरा। तभी से जूही और सचिन के रिश्ते में दरार आना शुरू हो गई।
जी हाँ, और साल 2018 आते आते इन दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया और एट द लास्ट इन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। वेल, ये थी टीवी की वो पांच हसीनाएं, पांच हीरोइन जिनकी पहली शादी उनके करियर की रही सबसे बड़ी गलती या कहें बर्बादी। दूसरी शादी के बाद कुछ ऊपर उठी तो कुछ अभी तक सिंगल हैं। वेल, आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, और आप इनमें से किसी को भी अगर कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट टू 9 लाइव डेस्क से इंदु की रिपोर्ट।